दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना कम हो। दाता तेरा मेरा प्यार बड़े प्यार से जय हो कभी ना कम हो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना कम हो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना कम हो। दाता तेरा मेरा प्यार जय हो कभी ना कम हो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना कम हो। कभी ना कम हो कभी ना कम हो। कभी ना कम हो कभी ना कम हो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना कम हो। दाता सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरे आ
ठाकुर के चरणों में ही प्रार्थना। हे परमात्मा, हे मेरे नाथ, दुनिया का हर व्यक्ति बदल जावे लेकिन आपका प्यार कभी कम ना हो।
हमारे जीवन में कितने भी दुखों की बरसात होती रहे, लेकिन हे मेरे दाता, आप अपनी कृपा का छत्ता मेरे सिर के ऊपर सदैव लगाए रखना। परमात्मा की कृपा का छत्ता जिसके सिर पर होता है ना, दुनिया की कितनी दुखी की बरसात क्यों ना हो जावे, कोई प्रभावित नहीं करती है। इसलिए दाता से एक ही प्रार्थना कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, दुनिया बदल जावे लेकिन आपकी कृपा बरसती रहे। संसार का जो प्रेम है वो परिवर्तनशील है, स्थाई कभी नहीं रहता, किसी का नहीं रहता है। और स्वार्थ का प्रेम तो सदैव चलने वाला होता ही नहीं है। आप देखते हैं ना, छोटा बच्चा है, बच्चा को कितना बढ़िया खिलौना दे दो, वो मां के बिना नहीं रहता है। बढ़िया से बढ़िया खिलौना दे दो, लेकिन बच्चे को खिलौना लेने में खुशी कब होगी, जब उसकी मां उसके समीप हो। और सोचो कि वही बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, और जब वो 21 साल का हो जावे और उसकी शादी हो जावे, तो बोले मां के बिना रहने वाली बात नहीं रहती है, है? पहले छोटा बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रहता था, और शादी के बाद में बोले अब पत्नी के बिना नहीं रहता है। अब उसका जो प्रेम है वो बट गया। शादी होने से पहले ये बातें करेंगे टेलीफोन पे, मोबाइल पे, तो घंटों पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे निकल गया। और शादी हो जावे तो बोले फिर तो 5 मिनट में ही बात खत्म हो जाती है। और पति देव जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पत्नी बार बार फोन लगाएगी, इनका फोन नहीं उठ रहा है, पता नहीं कहां भेजी है, फिर फोन लगाएगी, ये ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, फोन उठाएंगे और फोन उठा करके बात करना कहेंगे, बोले मैं ट्रैफिक में हूं, तुम काय को बार बार घंटी कर रही हो। सो धीरे से कहेगी, बोले ट्रैफिक में हो तो पहले गाड़ी का हॉर्न बजा के सुनाओ। फिर अविश्वास की जिंदगी हो जाती है। जब किसी से प्रेम होता है तो घंटों बातें होती, पता ही नहीं चलता है। ऐसी जब कन्हैया से हमारा प्यार हो जाता है ना, सच्चा प्यार, तो 3 घंटा कैसे कथा के निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और प्रेम ना हो तो 5 मिनट बात करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चा को देखते हैं, शादी हो गई तो फिर क्या, बोले पत्नी के बिना नहीं रहता। और उसके बाद देखिए, पत्नी के प्रति भी प्रेम रहता है, ये बात भी नहीं है। आप देखना, शादी के बाद में जब एक छोटा गोपाल घर में आ जावे, तो बोले कहीं जाएगा, पत्नी बात करेगी, बोले सुनो एक काम करो, बच्चे की आवाज सुनवाओ, बच्चे की रोने की आवाज सुनकर के खुश है। यानी कि पहले बच्चा मां के बिना नहीं रहता था, और शादी होने के बाद में पत्नी के बिना नहीं रहता है, और उसके बाद में छोटा बच्चा आ गया, तो बोले पत्नी के प्रति प्रेम कम हो गया, बच्चे में मोह डल गया। बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसको भी एक बेटा हो गया, तो अब बोले बच्चे के बिना रहने वाली बात नहीं रही। अब मोह किस में हो गया, बोले पौत्र में मोह हो गया। यानी कि ये जो संसार है ना, इस संसार का जो प्रेम है सदैव स्थायी नहीं रहता है, ये समय परिवर्तनशील है, प्रेम भी परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है। आप देखिए, कथा में बैठते समय इसी बिहार शरीफ में ठीक 10:30 बजे बैठे थे आप लोग, और 10:30 बजे जो शरीर था, जो शरीर 10:30 बजे कथा में यहां बैठते समय था, वो 12:40 पर शरीर नहीं है। और जो शरीर 12:40 तक है, वो 2:30 बजे तक नहीं दिखाई देगा। प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में परिवर्तन होता, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है। कैसे हम लोग 2 महीना के थे और कैसे 50 साल के हो गए, कोई पता चला? परिवर्तन का पता किसको चलता है, जो व्यक्ति बहुत दिनों के बाद देखता है, फिर कहता अरे तुम्हारे तो बाल सफेद हो गए, अरे तुम्हारे तो दांत कमजोर हो गए।
तो संसार का जो प्रेम है वो स्थायी रहने वाला नहीं है, इसलिए परमात्मा से एक ही प्रेम। हे परमात्मा, संसार भले भूल जावे लेकिन आप अपनी कृपा बरसाए रखना, आप हृदय के प्रेम को कभी कम मत होने देना। इन्होंने जब 6 प्रकार के प्रश्न किए तो सुखदेव जी को स्मरण किया, बोले गुरुदेव तो इनके व्यास जी हैं लेकिन व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी गुरु तुल्य हैं। परीक्षित इन्होंने निवेदन किया, बोले भगवान एक बात समझ में नहीं आती है कि मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज ने अपनी माता के पेट में 12 साल तक निवास किया था। बोले तुमने जो सुना है सो सही सुना है। सुखदेव जी के बारे में, यम प्रवजन तो मन पेत मपेत कृत्यम दुए पाए नो बिरह कातर आजुहावा पुत्रे तितन मय तया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। यम प्रवजन तो मन पेत मपेत कृत्यम, जिन सुखाचार्य जी महाराज का भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कर्म नहीं हुए और प्रवर्जन्तम यानी कि संन्यास्त गच्छन्त्यम संन्यास लेने के लिए चल दिए। द्वैपायनो यानी कि पिता व्यास जी कहते हैं पुत्रेति पुत्र इति, अरे बेटा ठहरो, लेकिन वृक्षों में तन्मय होकर के इन्होंने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। अब देखिए जंगल में जाइए और जंगल में एकांत में जाकर के कहिए पुत्र तो सामने से रिटर्न आवाज आएगी पुत्र। इन्होंने कहा अरे बेटा ठहरो तो उधर से आवाज आई बेटा ठहरो, यानी कि व्यास जी महाराज को ज्ञान हो गया कि जिसको हम बेटा कह रहे हैं वो व्यक्ति हमको भी बेटा कह रहा है। अरे पता नहीं कितनी बार हम पिता बन चुके हैं, कितनी बार ये हमारा पुत्र बन चुका है। जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे सर्वभूत हृदय में विराजमान श्री सुखाचार्य जी महाराज के पावन श्री चरण कमल में हम भक्त प्रेमी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले गुरुदेव सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाओ तो बड़ी कृपा होगी। देखो गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि सुखदेव जी महाराज राधा रानी के कृपा पात्र तोता थे। प्यारे श्याम सुंदर को जब कोई संदेश भेजना होता था तो श्याम सुंदर पत्र को लिखते, तोता के मुख में दबाते, ये तोता उड़ करके जाता और जाकर के पत्रिका को रख देता। उधर से किशोरी जी श्री राधा रानी जब पत्रिका को लिखती हैं ये मुखारविंद में लेकर के आता है और चरणों में जाकर के रख देता है।